हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट कुकिंग चैनल प्रीति किचन में। मैं हूँ आपकी होस्ट मनीषा। फ्रेंड्स, अभी बारिश चल रही है, बहुत सारी बरसात हो रही है और ऐसे में कुछ टेस्टी स्टार्टर्स और कुछ हल्का फुल्का खाने का बहुत मन करता है ना। तो इसलिए मैं आज की जो रेसिपी है ये है पेपर चिकन। ये बहुत ही फास्ट क्विक रेसिपी है और जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत ही डिलिशियस होने वाली है। तो दोस्तों, ये बनाने के लिए बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बिल्कुल भी बहुत इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो दोस्तों, अभी आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, सबसे पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जो बेल आइकन बटन आपको दिखेगी ना साइड में, तो उसको क्लिक कर दीजिए ऑल ऑप्शन पर, क्योंकि मैं हमेशा ही न्यू इनोवेटिव रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। और जब रेसिपी ख़त्म हो जाए देखने के बाद, तो प्लीज़ उसको बंद मत कर दीजिए, उसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप्स में। तो ये देखिए कितने टेस्टी डिलीशियस पेपर चिकन हमने बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। आपको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें लगेगा आधा किलो चिकन, ये बोनलेस चिकन है, बॉयलर चिकन, ओके। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा नमक। इसके बाद हमने डाला है कॉर्न स्टार्च 2 टेबलस्पून। एक लगेगा हमें एग, अंडा, इसको हम फोड़ेंगे। इसको स्मैच कर लीजिए पूरा अच्छे से, इसको इस तरीके से मिला लीजिए अच्छे से। अब हम इसे डालेंगे चिकन में। सबसे पहले हम कॉर्न फ्लोर को चिकन से अच्छे से कोट कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर अभी नहीं है या फिर कॉर्न स्टार्च नहीं है, सॉरी आई डिड मिस्टेक हियर, कॉर्न फ्लोर नहीं, कॉर्न स्टार्च बोलते हैं उसको, अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास मैदा तो रहता ही है घर पे, तो मैदा उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉर्न स्टार्च जो है ना, उसका जो मतलब टेक्स्चर है वो अलग ही और अच्छा आता है ना। तो अभी हमने डाला इसमें एग। एग को अच्छे से चिकन के साथ कोटिंग करने के बाद हम इसमें फिर से डालेंगे कॉर्न स्टार्च, ठीक है, सो दैट एग की कोटिंग होने के बाद अगर हम कॉर्न स्टार्च डालते हैं तो इसकी जो थिकनेस है, आउटर कवर है, ये अच्छे से कोटिंग हो जाएगी चिकन को। और इसके साथ हमने फ्राई करने के लिए ऑयल रखा हुआ है गैस पर। इस तरीके से इसको कोट कर लीजिए अच्छे से। अगर आपको लगता है थोड़ा कॉर्न स्टार्च कम पड़ रहा है या फिर बहुत ही गीला है अपना चिकन का जो एग डालने के बाद, तो आप थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, ऑलमोस्ट ये 2 to 3 टेबलस्पून लग ही जाता है। अब ये रेडी है फ्राई करने के लिए। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी इसमें इसको हम करते हैं मीडियम हीट पे, मीडियम लो पर टेम्परेचर पे हमने गैस को कर दिया है। अब इसको अच्छे से मीडियम हीट पे कुक होने दीजिए, सो दैट अपना चिकन जो है ये कच्चा ना रहे, अंदर से पक जाए और बाहर से भी जल ना जाए, अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए। इसके साथ मैंने लिए हैं 2 कैप्सिकम्स, गार्लिक, पेपर है 1 चम्मच, यानी जो काली मिर्च है ना, काली मिर्च लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, इसको घर पे ही ग्राइंड कर ली हूँ। और जो फ्रेश ग्राइंडेड पेपर काली मिर्च का पाउडर होता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है, मस्त होता है, अच्छा फ्रेश, ऐसे कोर्स पाउडर मैंने किया है। तब तक हमारे चिकन जो है फ्राई होके रेडी हो रहे हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो बच्चों को अगर आप ऐसे ही सर्व करेंगे तो उनको बहुत पसंद आएगा, लेकिन हमें तो थोड़ा सीजनिंग भी चाहिए है ना। इसमें अब हम करेंगे थोड़े से जो कैप्सिकम, प्याज और ये डाला था हमने गार्लिक को चॉप किया था, उसको हम यहाँ पे सीजनिंग बनाएंगे चिकन के लिए, पेपर चिकन के लिए।
तेल को अच्छे से गर्म होने देने के बाद इसमें डाला है मैंने चॉप्ड गार्लिक यानी लहसुन बारीक कटा हुआ 3 से 4 कलियाँ। ये है कैप्सिकम, 1 से 2 कैप्सिकम इसमें मैंने बारीक चॉप कर ली है, बारीक कट करके इसमें डाली है। इसको सॉटे करना है, बहुत कुक नहीं करना है। और 1 प्याज, प्याज को भी चॉप कर लिया है। अभी इनको हम अच्छे से सॉटे करेंगे, मतलब क्रंचीनेस चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा गीला गीला सब्जी नहीं बनानी है। जस्ट फ्राई देम, जस्ट सॉटे देम। ओके, 1 to 2 मिनट्स के बाद ये अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है प्याज को भी, और हमारी जो कैप्सिकम है ये भी क्रंची क्रंची हो चुकी है। तो इसके बाद हम डालेंगे हमारे चिकन। चिकन इतने टेस्टी लग रहे हैं, बिल्कुल टेस्टी लग रहे हैं। इसमें अब हम डालेंगे नमक और अपना ब्लैक पेपर पाउडर जो घर पे हमने बनाया था। बहुत ही क्विक है ना, बहुत ही ज़्यादा क्विक, मतलब 5 मिनट्स में बन के रेडी हो जाती है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हैं या फिर आपका ही खुद का मन कर रहा है कि आज थोड़ा सा हल्का फुल्का नॉनवेज खाए, तो ये रेसिपी तो बिल्कुल बेस्ट है, एकदम बेस्ट। ये बन के रेडी है हमारी पेपर चिकन। तो दोस्तों, आई होप यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।